जीत जाते थे। तब भरत के समर्थक सब ताली बजा के एकदम भरत जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, और भगवान के जो जितने समर्थक थे सब मुंह लटका करके बैठे हैं। तो भगवान बाद में खेल खत्म हुआ, जीत भरत जी की हो गई, और भगवान के समर्थक कोई ताली उली कुछ नहीं बजाए। तो भगवान कहते क्या हुआ भाई? तो सारे जो समर्थक कहते कि किस बात का भगवान, किस बात की ताली, न जय जयकार क्यों होगी? आप तो हार जाते, भगवान कोई हारते हैं क्या? आज से आपका पूजा पाठ सब खत्म, आपके समर्थन में हम लोग कोई नहीं रहेंगे। तो भगवान कहते क्यों? कहते आप हार जो जाते हो। तो भगवान कहते देख भाई, ये जो खेल है ना, ये खेल में मैं हार तो जरूर जाता हूं, लेकिन हकीकत में इस खेल के पीछे भी एक और खेल है। उस खेल को जब समझोगे ना, इसमें कोई हारता नहीं है, सब जीत ही जीत में है। सारे भक्त कहते अब कितनों सफाई देंगे तो आपका ये काम नहीं चलने वाला है, ये बात बनने वाली नहीं है। तो भगवान कहते सुनो मेरी, देखो रहस्य को समझो, ये जो फुटबॉल का मैदान है ना, ये फुटबॉल का मैदान ही संसार है, अथाह संसार बहुत बड़ा है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। ये महा अजय है, इसको कोई जीत नहीं पाता ये मैदान को। अथाह सागर है, भव सागर में नीर अपारा, अपार नीर है, कोई था नहीं पा रहा है, पाते हैं। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूबते रहते हैं जीव, आकर चार लक्ष चौरासी, योनि भरमत या जीव अविनाशी। तो उतरी परियो तम माहि, पीव निः शब्द में, ये संसार को तम कूप भी कहा गया है, इसको सागर भी कहा गया। भगवान कहते शत्रु है, यह संसार कांटों की वाड़ी, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार झाड़ो जाकर आग लगे भर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार का स्वरूप है। विविध प्रकार से संत लोग कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, और शाश्वतम दुखालयम, ये संसार क्षण भंगुर भी है और दुखों का तो घर ही है, जिसमें हमको चारों तरफ हरियरी नजर आता है। शाश्वत क्षणिक है, बदलता रहता है, सरकता रहता है। संसरति इति संसार, ये सदैव सरक रहा है, इसीलिए तो संसार है ना। दैट विच अंडरगोज ए मॉडिफिकेशन एंड चेंज ईच एंड एवरी मिनट, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स, मतलब जो जिसमें हमेशा बदलाव होता रहे उसी को संसार कहते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, यही है संसार का स्वरूप, और इसी तमकूप में संसार में हम पड़े हुए हैं, और हम ये जीव पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं तो ये जीव ही गेंद है, जैसे पूजा पाठ पंडित जी करते हैं ना, तो नारियल को लेते हैं, कहते श्री फल है, सब कुछ इसी में आ जाता है। हकीकत में सब कुछ आ जाता है, कैसे? तो देखिए नारियल के अंदर जल है ना, तो जल भी हो गया ना, फल है। और नारियल को मुंडी भी मान लीजिए, कहा जाता है विश्वामित्र जी महाराज जब त्रिशंकु को लटका दिया था, उधर से गिरा दिया था ना इंद्र भगवान ने, तो लटक गया था सत्यव्रत राजा, इसके वंश में राजे आगे ये आती हुए, तो हरिश्चंद्र हुए थे। तो सत्यव्रत राजा को महाराज विश्वामित्र महामुनि ने तप बल से ऊपर में ही लटका दिए, कहते तुमको गिरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। संतों का तप देखिए, शक्ति देखिए, इंद्र भगवान गिरा दिए और लटका दिए, इसीलिए वो तीन कोने में लटके रहे, त्रिशंकु नाम कहलाया उसका। और फिर विश्वामित्र मुनि महाराज कहते कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो इंद्र देवराज इंद्र ने आपको स्वर्ग से बेदखल कर दिया ना, पर मैं आपके लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल से सब कुछ संभव है ना, अभी ना कुछ किए कुछ नहीं होता। देयर इज नो पेन नो गेन, भीड़ बिना भीड़ का खीर नहीं होता। तो विधाता ये विश्वामित्र मुनि को तो तप था ही, तो इसलिए तप बल से ये सब कुछ का निर्माण करने लगे। तो उसी में कहा जाता है ये भैंस, ये मड़वा, ये कुछ बहुत कुछ जो है ना, ये विश्वामित्र मुनि ने ही बनाए, इसी में ये नारियल भी बनाए,
वो सोचा कि नारियल से ही आदमी को बनाऊंगा, इसलिए आप नारियल को फोड़िए, गर्री को देखिए, उसमें दो आंख मुंह निकला हुआ रहता है ना, हूबहू मनुष्य का मुंडी जैसे लगता है। तो ये नारियल, तो कहने का विषय है कि इस तरह से पूजा में हम नारियल को रखते हैं, तो नारियल को पूरा फल माना गया है। तो मैं कह रहा था कि ये भगवान जो है ना, भगवान कहते मनुष्य का जो, मनुष्य जो है ना जीव, ये गेंद है और खोपड़ी भी गेंद जैसा ही लगता है, तो मनुष्य को ही नारियल की खोपड़ी मान लो, ये गेंद है जीव, और ये गेंद ये चौरासी में भटकता रहता है। जीव जबते हरिते बिलगायो, तब ते देह गेह को निज करि जानियो, निज स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ तो यही संसार में ही तो रहा ना, अब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों अलग हुआ, ये तो अलग विषय है ना। बाबा साहब से किसी ने पूछा कि भगवान ये दुनिया को क्यों बना दिए, हम लोगों को क्यों बना दिए, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, यदि नहीं बनाते तो अच्छा रहता ना, गाना गुना भी सुनते ना हम लोग। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना ई तूने, काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाए, काहे तूने बनाया माटी का पुतला जिसमें रचाया। ये मतलब कहने का कि लोग पूछते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि जो बनाया है ना वही आपको बता सकते हैं कि क्यों बनाया है, आप वही जाकर के पता कर लीजिए। तो बनाने वाले के पास जब हम जाते हैं तो दुनिया रहता ही नहीं है। जे ही जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। वो बनाने वाले के पास जब आप पहुंच जाएंगे तो दुनिया ही हरा जाता है, खो जाता है। जे ही जाने जग जाई हराई, तो फिर हम वही तुम वही, हम तुम्ही तुम वही में ही प्रश्न पुनी रहते नहीं, कुछ भी नहीं रहता, एको अहम द्वितीयो नास्ति, कुछ भी नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये दुनिया जब बना, जैसे भी बना, पर बना तो है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ईश्वर की मौज से बना, और ये जीव उसी में आके फंस गया। भूमि परत भा और शर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी, वर्षा का पानी कीचड़ में आ जाता है और मैला कुचैला हो जाता है। इसी तरह ये जीव भोला भाला सीधा साधा सच्चा था, शुद्ध था, पवित्र था, पर संसार के लपेटे में आ न जाने कैसे हो गए और इस 84 में पड़ गए कर्म काल के वश में। फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। हकीकत में बच्चा जो बचपन में होता है वो खराब थोड़ी होता है, सब ठीक ही होता है, पर खराब कब होता है, जब खराब का संग करता है। विदेशियों का यही सपना था ना कि भारत को यदि गुलाम बनाना हो ना तो भारत के बच्चे को ही गुलाम बना दो। अब भारत के बच्चे गुलाम कैसे होगा, तो भारत के बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल दो। अब वो उल्टा सीधा पढ़ेगा तो उसका शरीर तो भारतीय रहेगा पर दिमाग से सबके सब अंग्रेज हो जाएंगे, इसलिए हाय हेलो हाय बाय का कल्चर आ जाएगा। आजकल विद्यार्थी जब पढ़ के आते हैं ना कॉन्वेंट से, जैसे हाथ बढ़ाते हैं, हाय डैड हाउ आर यू डूइंग, बोलो पिताजी को डैड बोलते हैं, डैड मतलब तो मुर्दा ही होता है ना, हाय मॉम हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, मतलब क्या है।
हाथ ऐसे मिलाएंगे तो उसको बाप को भी लगता है कि मैं पढ़ने के लिए भेजा था कि पहलवानी करने के लिए भेजा था, क्योंकि हाथ तो पहलवान से नहीं मिलाया जाता, मतलब वो अंग्रेजी पढ़ाई है ना। मैकोले का यही सपना था, इन ऑर्डर टू चेंज इंडिया वी हैव टू चेंज द इंडियन चिल्ड्रंस व्हिच इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो इन ऑर्डर टू चेंज द इंडियन चिल्ड्रंस वी हैव टू चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वंस द एजुकेशन सिस्टम इज चेंज्ड मेक श्योर द होल इंडिया इज कम्प्लीटली चेंज्ड एंड इट विल बी अंडर माय कमांड। मतलब कि जब मुझे भारत को गुलाम बनाना हो तो उसकी संस्कृति सभ्यता को गुलाम बनाओ, बच्चे को गुलाम बनाओ, बच्चे को गुलाम बनाना हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई को उल्टा सीधा कर दो, और वो पढ़ेंगे वहीं तो बोलेंगे वहीं, देसी मुर्गी भी लेती भाषा, ये उसका षड्यंत्र था। तो कहने का मतलब यही है कि जीव तो बड़ा शुद्ध पवित्र होता है ना, पर गलत संग में आकर के वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने से ज्यादा अपने बाल बच्चों को सत्संग में जोड़ना चाहिए। ही करके बतीसी दिखा रहे थे, बच्चा है, अभी बच्चा है, अब बाद में चच्चा हो जाता तो बात मानेगा क्या? तब उनको बोलिए सत्संग करो, कहेगा बूढ़ा बूढ़ी सठिया आ गया है, तब कैसा लगेगा? इसलिए अभी वो सीधा साधा है तो वो बात मानेगा। एक छोटा छोटा बच्चा है, उसको दूध देते कहती बाबा नहीं पीता है, कौन चीज़ चाय पीता है, हम बोले चाय क्यों पिला देते, कहती नहीं गोदामता है, लो अभी वो नहीं गोदाम रहा, 1.5 फुट का है, अच्छा 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा होगा, 7 फुट का तब गोदाने का क्या? कहने का मतलब बच्चा तो अच्छा ही होता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने बच्चे को ही अपना गुरु बना लिए, लो किसी ने पूछा क्यों, तो कहते बच्चा में वो सारे शुभ गुण होते हैं जो एक संत में होता है, पर अंतर ये होता है कि बच्चा अज्ञानी होता है और संत महापुरुष परम विज्ञानी होते हैं, एक ही अंतर है। वो आत्मा को पहचाने होते हैं, आत्मा में परिनिष्ठित होते हैं, आत्मा में परिनिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, परंतु ये बच्चा को आत्मात्मा का ज्ञान नहीं होता, पर बाकी गुण होते हैं। एक बच्चा था, छत पे बैठा था, बाप भी था और माँ भी थी, तो उधर सेठ जी थे, तो बाहर में लोग कोई आए तो पुकार आवाज लगाई कि सेठ जी घर पे हैं, और सेठ जी को लगा कि ना लेकर आ गया, पैसा टका मांगेगा, तो बचुआ को बोला बेटा उनको बोलो कि पापा नहीं है। बचुआ बोला सुनो जी मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि वो नहीं है। बेचारा को कुछ था नहीं दिल में, वो कुछ 6-5 तो बोल दिया। तो यही जीव का हाल है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन था अमल था सुख का ही राशि था। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा यू डोंट नीड टू टेक वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, इन फैक्ट यू आर द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। कहते आपको बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए, आप खुद आनंद के स्रोत हैं। सब आनंद तो अंदर से ही आता है, बाहर में तो केवल भाषित हो रहा है। एक बच्चा उसके पास क्या कुछ भी नहीं है, जब हंसता है तो पूरे गांव को पूरे परिवार में सबको आनंदित कर देता है, तो आनंद कहाँ से आया? कहते रुपया में पैसा में इधर उधर में आनंद है, तो वो आनंद कहाँ से आ जाता है? वो आत्मा का आनंद है जो सबसे श्रेष्ठ आनंद माना गया, सबसे सच्चा आनंद माना गया, सबसे उत्तम उत्तमोत्तम सर्वोत्तम आनंद माना गया है। तो कहने का मतलब ये जीव का स्वरूप तो परम पवित्र होता है ना, पर ये संसार और माया के चक्र में लपेटे में आकर के घिसते पिसते घसीटते एकदम घसाट पिसाट लगते लगते छिलका छूट जाता है, इसका दुर्दशा हो जाता है, जैसे कि तैसे एकदम गाड़ी नहीं देखते बस पर चलते चलते एकदम झर्री हो जाता है, सलेंसर फट जाता है, एक्सीलेटर देता लगता एकदम धुआं भर गया, एकदम कान फाड़ देता। यही हाल ये जीवात्मा का हो गया संसार के मेले में झमेले में पड़कर। आकर 4,84 योनि भरमत यह जीव अविनाशी, 84 के चक्र में भटकता रहा। तो ऐसा बोलिए गेंद को ठोकर ही लगता है ना, तो इसी तरह ये जीव को ठोकर ही लगता है ना। कौन ऐसा शरीर है जिसमें आदर सम्मान मिलता है बतलाइए? गुरु महाराज कहते पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अभी कृपा कर दिन प्रभु करो बार हो, कि पशु पक्षी कृमि कीड़े मकोड़े सांप
चिल्लर मच्छर गिद्धर सिंह सियार सब शरीर में गए तो सब शरीर में तो अनादर ही मिलता है, ठोकर ही तो मिलता है, दुख ही तो मिलता है, कहाँ कोई सुख मिलता है क्या? कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो बोलेंगे डीओजी साहब आइए थोड़ा चाय नाश्ता खा लीजिए पी लीजिए, नहीं बोलते ना, तो स्वागत कैसे करते? तो एक झटा घुमा के देते, कुतवा कहे कहे करते भागता है, एगो नंगड़ी एकदम फ्री रह हो जाता है उसका टंगड़ी, वही स्वागत है उसका। कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें मान सम्मान इस जीव को मिला हो, हर जगह ठोकर खाते खाते फिर कभी इस आखिर जैसा भी, तो ईश्वर कहे तो अंश है ना, अकारण ही वो ईश्वर कृपा करके ये भटकता हुआ ठोकर खाता हुआ जीव को, जीव रूपी गेंद को मनुष्य शरीर दे करके दे देते हैं। तो जीव का देखिए स्वाभाविक गुण क्या होता है, स्वाभाविक गुण होता है पानी को आप गिराइए तो बहता है कि नहीं, तो बह करके नाला में जाएगा, नाला का पानी नदी में, नदी का पानी बड़ी नदी में, और वहां का पानी फिर बहते बहते समुद्र में जाता है कि नहीं, क्यों चला जाता है? इसलिए को पानी समुद्र से ही आया है, गर्मी में वाष्प बन के वो बादल का रूप लेता है, वर्षा होता वही पानी है, तो इसलिए पानी का जो स्रोत है उधर उसका नेचुरली स्वाभाविक रूप से उधर उसका बहाव होता है, क्योंकि जहां से आया है तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी का स्रोत है, इसलिए उधर झुका होता है। तो जब इस जीव को भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही भगवान के शरण में जाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने समर्थक से कि देखो भाई ये जीव जब मेरे शरण में आ जाता है ना भटकते भटकते, तो मेरी जब विशेष कृपा होती है यानी कि मेरी अत्यधिक कृपा जब होती है तो मैं इस जीव को संतों के शरण में भेज देता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अरे बिनो हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। तो ये जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, बिनो हरि कृपा, बिना हरि की कृपा के आप उस संत सदगुरु से थोड़े मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो जब द्रवहि दीन ईश्वर अनादि अनंत परमात्मा की कृपा होती है तो वो मनुष्य शरीर और फिर संतों का संग देते हैं। यही कहते भटकता हुआ गेंद जब मेरे पास आता है तो मैं उसे उसके कल्याण के निमित्त कल्याण के लक्ष्य को लेकर उस जीव को संतों के चरण में भेज देता हूँ। और ये जब जीव भूले भटके मेरे निर्देश पर उपदेश पर आदेश पर जब ये संतों के शरण में जाता है, हम लोग यहाँ आए हैं तो कितने के मन में क्या चलता होगा, कितने जो गैर सत्संगी है वो बोलते होंगे लो भगवान भगवती पूजा पाठ देवी देवता छोड़ के गुरु तुरु में लगे रहते हैं, इन्हें कहते हैं सब संतन की बड़ी वाले भगवान भगवती कुछ नहीं, पर परंतु क्या है कि वो गलत हो सकते लेकिन हम गलत नहीं है। कैसे? हम लोग तो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान ही कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान कृष्ण कहते तदिद्धि परिणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या, हे अर्जुन तुम महापुरुषों के शरण में जब प्रणाम करो वंदन करो उससे ज्ञान लो उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो सारे भगवान तो संत के पास भेजते हैं, मैं भगवान का ही आदेश पालन करता हूँ तो आज्ञा पालन करने वाला ही तो भक्त हुआ न, कि केवल मोहर लगा लिया वो भक्त हुआ। तो इसलिए ये भगवान का आदेश उपदेश और उनकी कृपा है कि ये जीव घूमते घामते पूजा पाठ धूप दीप अगरबत्ती मोमबत्ती एकादशी द्वादशी खरना जरना पारण चंपारण करते करते ये सत्संग में पहुंच जाते हैं। इस बीच में वो पावन था वो क्या बोलते उसको खरजीतिया, और उसी में विश्वकर्मा पूजा पकड़ा गया, मेरा कार्यक्रम था वहाँ रघुनाथपुर में बाजार में, तो पहले दिन तो एकदम खूब जम जुट के आए श्रोता, और दूसरे दिन जो पेट में सबको बघा लगा, पेट तो पीठ में सटा हुआ हिल ही नहीं पा रहा, तो घर से तो कहाँ आए सत्संग, तो मैं पूछा क्यों ना आए, तो बोले सब खर जितिया में पहुंच गए। कहने का मतलब जितना भी फंक्शन है ना ये बाहरी ये सब करते धरते नर्सरी एलकेजी यूकेजी फास्ट सेकंड ये फास्ट स्टैंडर्ड में ये सत्संग में तब आते हैं, इतना जल्दी पहुंच नहीं होता, इसलिए आलतो फालतो करते करते ही यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए कहते झूठ मूठ खेले सचमुच होए सचमुच खेले बिरला कोए।
तो ये सब क्वालिफिकेशन योग्यता देता है कि आप सत्संग में आकर के बैठ सके। इसलिए अपने स्तर पर सब ठीक ही है, चलो कोई नहीं। कहने का मतलब है कि ये सब करते करते हम एक दिन सत्संग में आ जाते हैं, ये संत ईश्वर परमात्मा की कृपा होती है। अब संत क्या कृपा करते हैं, तो संत की यही कृपा है, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो भगवान कहते वो मल्लाह है, मैं तुम्हें मल्लाह के पास भेजाऊं तो मल्लाह क्या करेंगे, तुमको इस पार लगा देंगे जहां मैं बैठा हूं। इस पर्दे स्याह के जरा उस पार देखना, ए तकी तकतेर हो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। तो कहने का मतलब है कि उस पार परमात्मा के द्वार तक ये संत पहुंचा देते हैं। इसलिए संत सदगुरु है कर्णधार, और इसीलिए संत के शरण में जो आ जाते हैं तो संत शरण जो जन परे सोजन उधरन हार। तो ये संत की कृपा से जीव परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। तो यही है, भगवान कहते हैं कि सांसारिक जीव और ये जो भरत जी है ना, ये संत है, और मैंने गेंद को भरत जी के पास भेज दिया। ये जीव तो मेरे पास आया था, आज जब मैं कृपा किया तो संत के पास भेजा। इसलिए सहजो भाई कहती है, राम तजू पे गुरु न विसारो, पर गुरु के सम हरि को न निहारो। इनके गुरु कौन थे सहजो भाई के? आप लोग बोलिए ना, हमको क्या पता कौन गुरु तुरु है। विद्यार्थी लोगों को ये सब पता नहीं होता है, उसको कौन मूवी रिलीज होने वाला है, उसमें कौन मुंबईया हीरो आया है वो पता होता है, पता होना चाहिए। अरे नाम तो कितने आए गए जहनों में चले गए, पर मीराबाई का नाम जब तक धरती आकाश सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र रहेंगे तब तक रहेंगे। मीराबाई गुरु की भक्तिन थी, इसलिए आज हम नौ दुर्गा माँ की पूजा करते हैं ना, वो गुरु की उपासना आराधना करी थी, गुरु की झुकती लेकर के ऐसी साधना करी कि परमेश्वर परमात्मा स्वरूप भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किए थे। इसलिए आज माँ पार्वती का दर्शन करके हम शांति का की खोज करते हैं। ये गुरु जो है ना पहचान देता है जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन तो शुरू ही नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, ज्यो बिरंची शंकर सम होई। अब इससे भी आगे कुछ करने का है क्या? कहते विधाता ब्रह्मा जी हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कि जो दुनिया को बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं भगवान की शक्ति लेकर, उतनी सामर्थ्य किसी में हो जाए भगवान भोलेनाथ के तरह महायोगेश्वर योगी हो जाए और बिरंची विधाता ब्रह्मा ये सब हो जाए योग्यता, फिर भी गुरु के बिना कल्याण नहीं है। तो कहने का मतलब ये ईश्वर की कृपा है कि हमें संत का शरण मिलता है। यही जो सहजो भाई थे उसके गुरु का नाम था चरण दास जी महाराज, है ना? तो चरण दास जी महाराज कहते हरि सेवा कृत सौ बरस, गुरु सेवा पल चार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। गुरु की महिमा गाए गए, और इनकी शिष्य तो कहते हैं कि हरि की तो बात ही छोड़ो, गुरु के सामने तो मैं हरि को भी ना देखूं। अब बोली एक होता है क्या, गुरु क्या कहते हैं, भगवान भगवती को छोड़ दो, यदि ऐसा कहते तो गुरु महाराज थोड़ी बोलते कि ईश्वर स्तुति करो, पर गुरु महाराज स्तुति कराते हैं कि नहीं। संत मत में एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, ही तो बताते हैं ना। तो फिर सहजोबाई का भाव क्या है, भाव यही है कि सहजोबाई आगे क्या कहते इससे समझिए कि हरि ने जन्म दियो जग माही, बड़ी कृपा करी जन्म दिए, पर गुरु ने आवागमन छोड़ाए, आवागमन छोड़ा दिए। हरि ने कर्म भर मोर जायो, गुरु जोगी कर सभी छोड़ायो। इसकी और स्पष्टीकरण कबीर साहब कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं हरि से नौकर हेत तुम, कर हरिजन से हेत। क्यों? क्योंकि माल मुलुक हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। बात क्लियर हो गई कि संत सदगुरु परमात्मा के शुद्ध स्वरूप
का साक्षात्कार करा के जीव का सदा सदा के लिए कल्याण कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं भरत जी सच्चे संत हैं और भरत जी के चरण में मैं इस जीव को भेज देता हूँ, और भरत जी की जब कृपा होती है तो सीधे जीव आते आते मेरे गोल में प्रवेश कर जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये संतों की असीम कृपा होती है और मेरी दया दृष्टि होती है। कल्याण जीव का, कृपा मेरी और जय जयकार संतों की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी के। तो रात्रिकालीन सत्संग में यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। तो जो संत शरण में आते हैं वो परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त करते हैं।